मटेरियल से बनाया हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया में। ये एक बैनियन ट्री है, यहाँ पे बेटर लगेगा देखने में, कुतुब मीनार के रेप्लिका के सामने सामने जिसे गोल गुंबद कहते हैं, मरकजीश मंदिर के रेप्लिका। तो ये है बद्रीनाथ धाम का रेप्लिका, रोमटेक मोनेस्ट्री का रामेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने, पुरी मंदिर के बिल्कुल सामने, ऑफ बॉम्ब के सामने, जूनागढ़ के नवाब हैं, पद्मनम स्वामी टेम्पल के बिल्कुल, चैरियट हम्पीरथ जिसको कहते हैं टेम्पल के जो व्हील्स होते हैं जो। हे एवरीवन, वेलकम बैक इन, दिस इज योर फ्रेंड अंशुल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में लोकेटेड है, और यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बसई दारापुर पड़ेगा आपको, और वेस्ट पंजाबी बाग भी पड़ेगा, वहाँ से भी आप आ सकते हैं बैटरी रिक्शा लेके। तो गाइस, आज संडे है और आज मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा अंदर से भारत दर्शन पार्क कैसा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ की जो मेन अट्रैक्शंस हैं, काफ़ी सारी जो फेमस इंडियन बिल्डिंग्स हैं। यू गाइस स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस देखिए, यहाँ पे टिकट का प्राइसिंग लिस्ट लगी हुई है यहाँ पे। एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सैटरडे संडे को आप वीकेंड के दिन आते हैं तो यहाँ पे टिकट का प्राइस 150 पर पर्सन है, जो कि प्रीमियम टिकट इनको कहते हैं, टिकट रेट चार्जेस। और चलते हैं भारत दर्शन पार्क में और एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर की मेन अट्रैक्शंस। तो गाइस, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये पंजाबी बाग मेन क्रॉसिंग, जैसे ही आप पार करेंगे मोती नगर का जो रेड लाइट है उसके जस्ट खत्म होते ही यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। लेट्स कम विद मी। जैसे ही हम अंदर आएंगे यहाँ पे आपको एक काफी सुंदर शेर बना रखा है यहाँ पे, लॉयन, तो इसका ये मेरे को लगता है वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, बिल्कुल अंदर आते ही आपको दिखेगा सबसे पहले। तो यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस देखिए, यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखे हैं इन्होंने, सारी यहाँ की जो लाइटिंग्स हैं वो सोलर पैनल के थ्रू ही होती है। गेटवे ऑफ इंडिया में, ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का कितना सुंदर इन्होंने बिल्कुल रेप्लिका बनाया हुआ है एकदम ही। और गाइस एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों का बता रखा है। तो गाइस चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मैं तो आज तक कभी पहले कभी गया नहीं गेटवे ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे मैं इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है फर्स्ट टाइम। तो गाइस देखिए अंदर चल के कैसा लगता है। तो ये देखिए गाइस, ये है हम गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल नीचे खड़े हैं इस टाइम। ये देखिए गाइस कितना सुंदर इन्होंने पार्क डेकोरेट करा हुआ है फ्लावर्स में, पानी पीने का पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस यहाँ पे सिटिंग के लिए बेंचेस भी बना रखे हैं, अगर आप पार्क में चलते चलते थक जाएं तो आप बच्चों के साथ यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे एक बार आना ज़रूर बनता है, अगर आप यहाँ पे आसपास के एरिया में रहते हैं दिल्ली में, अगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए बच्चों के साथ। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पे रोड मैप लगाया हुआ है, यहाँ पे गोल गुंबद, कुतुब मीनार और नालंदा मॉन्यूमेंट्स, मीनाक्षी टेम्पल, ये सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि आगे कौन सी बिल्डिंग है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सुंदर फाउंटेन बना हुआ है, और एक एडवाइस मैं आपको करना चाहूंगा कि आप 5:30 बजे के बाद आएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रात को लाइटिंग्स चलती हैं तो काफी ब्यूटीफुल दिखता है, यहाँ की सराउंडिंग्स काफी अच्छा दिखता है देखने में, और आपको यहाँ पे आके अच्छा भी लगेगा। गाइस अब हम आ गए हैं हवा महल के बिल्कुल सामने, ये देखिए कितना सुंदर रेप्लिका बना रखा है हवा महल का। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोल्स, एंगल्स, ट्रक की चेसिस जो होती हैं वो उन्होंने यूज करी हुई है, टायर के रिम्स और ट्रक और कायर टायर्स के नट बोल्ट्स, ये सारा यूज करके इन्होंने देखो कितना सुंदर इन्होंने हवा महल बना रखा है। और यहाँ पे आके आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि आप सही में जयपुर के हवा महल में आ गए हैं। ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम अभी दिन के टाइम आए हैं, बट आप रात के टाइम आएंगे 5:30 बजे के बाद तो काफ़ी बेटर लगेगा देखने में। यहाँ देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे लाइट्स वगैरह, काफ़ी अच्छी फ्लड लाइट्स लगवा रखी हैं इन्होंने, और ये कितना सुंदर लगता होगा रात के टाइम, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं गोल गुंबद की रेप्लिका के बिल्कुल सामने। तो ये देखिए गाइस, पूरा लोहे का बना रखा है वेस्ट मटेरियल्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बिल्कुल रेप्लिका लग रहा है। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए, ये मास्टरपीस ऑफ ए नोबल इस्लामिक आर्किटेक्चर, गोल गुंबद इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोम इन इंडिया, ये इंडिया का भारत के सबसे बड़े डोम में से एक है। गाइस अब हम आ गए हैं कुतुब मीनार के रेप्लिका के सामने, और ये देखिए गाइस कितना सुंदर रेप्लिका बनाया है।
बिल्कुल ही देखने में असली लग रहा है, बट ये पूरा आयरन स्ट्रक्चर है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ, इलेक्ट्रिक पोल्स, साइकिल चेसिस, ट्रक्स के पार्ट्स, ये सब यूज करके ये बना रखा है। गाइस अब हम खड़े हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बिल्कुल रेप्लिका के बिल्कुल सामने, तो ये देखिए गाइस कितना सुंदर बना रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल स्ट्रक्चर का। गाइस अब हम इस टाइम खड़े हैं मीनाक्षी टेम्पल के रेप्लिका के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे खड़े होकर तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम असली के टेम्पल के बिल्कुल प्रमिसेस में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए गाइस इन्होंने यहाँ पे कितनी सुंदर डिटेलिंग वर्क करा हुआ है, यहाँ पे यहाँ की जो कार्विंग्स हैं, भगवान की फोटोज हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मेन बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ही वैसे ही डिटेल ओरिएंटेड वर्क है यहाँ पे, और काफी अच्छा देखने में सुंदर लग रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट्स कर रखा है, आप यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आपको जगह जगह सोलर पैनल्स भी दिखेंगे, जो उसी को सोलर पैनल से ही यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। पार्क में आपको रोड मैप भी मिल जाएंगे, जहाँ पे पूरा गाइडलाइंस दे रखी है कि कैसे जाना है। अब यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है वो है बद्रीनाथ टेम्पल और द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ और रामेश्वर टेम्पल। ये है रोमटेक मोनेस्ट्री का रेप्लिका, काफी डिटेल्ड वर्क करा हुआ है ये रेप्लिका में। तो ये है बद्रीनाथ धाम का रेप्लिका, बद्रीनाथ मंदिर का बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया हुआ है, देखिएगा द्वारकाधीश मंदिर के रेप्लिका के सामने, और ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है यहाँ पे, और झंडा भी ऐसा लग रहा है कि सही में जैसे हवा के बीच में हिल रहा हो। सब कुछ लोहे का, वेस्ट मटेरियल्स, चेसिस पार्ट, इंजन चेसिस पार्ट, ट्रक के पार्ट। तो आगे रामेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने, और ये देखिए कितना सुंदर रेप्लिका है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे ओरिजिनल मंदिर का जो फ्रंट एंड है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका इन्होंने बनाया हुआ है। तो गाइस एवं खड़े हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बिल्कुल सामने, और देखिए कितना एग्जैक्ट रेप्लिका है, कितना सुंदर कार्विंग्स बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, बिल्कुल डिटेल ओरिएंटेड वर्क है। सो गाइस हम खड़े हैं बेसिलिका ऑफ बॉम के सामने, ये तो उसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि क्या चीज है, बट ये आई थिंक एक चर्च है, और काफी अच्छा देखने में काफी सुंदर है। और यहाँ से देखिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए यहाँ पे देवघर टेम्पल के रेप्लिका के सामने, और काफी अच्छा काम करा हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका है। पैलेस के बिल्कुल सामने जो कि जूनागढ़ के नवाब महाबत खान का मकबरा है, और ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका इन्होंने बना रखा है, काफी अच्छी इन्होंने इसमें कंस्ट्रक्शन करी हुई है, डिटेल ओरिएंटेड वर्क है सारा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। है पद्मनम स्वामी टेम्पल के बिल्कुल सामने, देखिए कितना अच्छा सुंदर व्यू है यहाँ का, काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन गई हुई है, वेस्ट मटेरियल से एक परफेक्ट एग्जांपल है एक रेप्लिका का जैसे होना चाहिए। मार्टिन टेम्पल देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल एग्जैक्ट है सांची स्तूप के बिल्कुल सामने, जो कि भारत का सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है, और ये मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिनल प्रमुख जो स्तूप है वो माना जाता है प्रमुख स्तूपों में से। बच्चों का प्ले जोन बना रखा है, और यहाँ पे सारी राइड्स बच्चों के लिए अवेलेबल है, कार राइड्स, ट्रेन राइड्स, ये आप देख सकते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छा बना रखा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कैंटीन है। तो हम खड़े हैं हैदराबाद की फेमस चार मीनार के सामने, काफी एग्जैक्ट बेहतरीन रेप्लिका बना रखा है ये देखिए। खड़े हैं पश्चिम बंगाल के सबसे फेमस पॉपुलर प्लेसेस में से एक विक्टोरिया पैलेस, जो कि क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेटेड है, तो ये देखिए गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका इन्होंने बना रखा है। ये है हम्पी चैरियट, हम्पी रथ जिसको कहते हैं, ये इसके सामने बिल्कुल खड़े हैं, जो कि द्रविड़ आर्किटेक्चर को डेडिकेटेड है, और एग्जैक्ट रेप्लिका है ये बिल्कुल ही सेम जैसे। है कांगला फोर्ट के रेप्लिका के बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट रेप्लिका है ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है। अमृतसर का फेमस जलियावाला बाग का मिनियाचर, ये देखिए गाइस पूरा इन्होंने डिटेल से बता रखा है, जैसे यहाँ पे डिटेल ओरिएंटेड वर्क करा हुआ है यहाँ पे, जैसे लोगों को यहाँ पे गोलियों से मारा गया था, तो उसका बिल्कुल एक एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है। अब बोलो। तो दोस्तों ये है रंगघर का मिनियाचर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसी का रेप्लिका पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ पे गाइज उनाकोटी केव्स का रेप्लिका उन्होंने बनाया हुआ है, बिल्कुल काफी अच्छा मिनियाचर है ये देखिए, बिल्कुल डिटेल ओरिएंटेड वर्क करा हुआ है, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और केव्स में अंदर जाने का रास्ता भी बना रखा है।
सो गाइज, इस रेप्लिका का नाम है रूनस ऑफ कचारी। ये आप देख सकते हैं जो एग्जैक्ट जो रूनस हैं कचारी के, बिल्कुल उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। हम खड़े हैं लिंगा लिपाक्षी टेम्पल के रेप्लिका के सामने। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन करी हुई है इसकी। एग्जैक्ट जो टेम्पल है उसका रेप्लिका है। और यहाँ पे आप राइट में देखोगे तो यहाँ पे मिजो डांस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना रखा है इन्होंने। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड वर्क है यहाँ पे। काफ़ी फोकस्ड कार्विंग्स करी हुई हैं यहाँ पे। काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। गाइस, ये है उड़ीसा का फेमस कोणार्क टेम्पल, उसका बिल्कुल मिनियेचर बना रखा है। देखिए कितना सुंदर रेप्लिका है। और यहाँ से बिल्कुल एंट्रेंस देखिए इसकी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर के सामने खड़े हुए हैं, टेम्पल के सामने खड़े हुए हैं। कितना सुंदर देखिए व्यू है यहाँ से। तो गाइस देखिए, कोणार्क टेम्पल की जो व्हील्स होते हैं, जो यहाँ पे कार्विंग्स, ओरिजिनल कार्विंग्स के बिल्कुल रेप्लिकाज यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पे आपको एक बार तो ऐसा लगेगा कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स आप असली में देख कर आएँ और सारा भारत दर्शन का एक टूर करें ये बात। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पे महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो उनके लास्ट जो मोमेंट्स थे यहाँ पे पृथ्वी में, और उनका रिक्रिएट करके दिखाया हुआ है। और यहाँ पे एलोरा क्लेक केव्स हैं। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर, अच्छा फोकस, डेंसली फोकस्ड एकदम व्यूज है एकदम। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट का व्यूज कितना सुंदर है। और ये इस पार्क की लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि है खजुराहो मंदिर का रेप्लिका। तो देखिए गाइस, बिल्कुल सुंदर, कितना सुंदर बना रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका लग रहा है ओरिजिनल स्ट्रक्चर का। और यहाँ से इसकी एग्जिट होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।